प्रभु श्री हरि अपने भक्तों से अपार प्रेम करते हैं, इसीलिए उनके कष्ट हरने के लिए वे कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए पुत्र, क्योंकि भगवान सदैव अपने भक्तों को अपने से भी उच्च स्थान देते हैं। परंतु माता, यदि भगवान ना हो तो भक्तों का अस्तित्व असंभव है ना? पुत्र, भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए हम दोनों के ही कथन अपने अपने स्थान पर सर्वथा उचित है। पुत्र हनुमान, तुमने इस पर ध्यान दिया कि अब तक के प्रभु श्री हरि के सभी अवतारों में संसार के जीवन चक्र के विकास का सार भी छुपा हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ में संसार में जल तत्व की ही प्रधानता थी, वही जीवन प्रारंभ हुआ। इसीलिए प्रभु विष्णु जी का प्रथम अवतार जल में मत्स्य के रूप में हुआ। फिर जल और थल पे विचरण करने वाले कूर्म रूप में द्वितीय, फिर थल पर ही रहने वाले निम्न श्रेणी के पशु वराह रूप में तृतीय अवतार लिया। फिर नरसिंह अवतार अर्थात पशुओं के राजा सिंह और मनुष्य के सम्मिश्रण से उत्पन्न विलक्षण जीव अर्थात अर्ध सिंह और अर्ध मानव के रूप में प्रभु ने अवतार लिया। समझ गया माता, इसीलिए जीवन के विस्तार के क्रम के अनुसार प्रभु श्री हरि का आगामी अवतार मनुष्य के रूप में होना था। हाँ पुत्र, इस बार पृथ्वी पर प्रभु विष्णु जी का आगमन बाल ब्रह्मचारी रूप में हुआ। परंतु माता, हनुमान को बताइए ना, प्रभु ने अपना पंचम अवतार कब और क्यों लिया? पुत्र, त्रेता युग में जब अमृत पाकर सभी देवता अमृतवी के अहंकार के मद में चूर होकर अपने अपने कर्तव्यों के प्रति असावधान हो गए थे, परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी द्वारा मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर असुरों ने भी मृत्यु परंत पुनः जीवित होने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। यम्बकं यजामहे ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ भर्गो देवस्य धीमहि ॐ उर्वारुकमिव बन्धनाम् ॐ धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भुः ॐ सः ॐ जूं ॐ हौं हम पुनः जीवित हो गए। फिर देवताओं से युद्ध में रक्त असुर सेना हताहत होकर भी पुनर्जीवित होने लगी। देवता परास्त हो गए थे और अपना बचाव सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपना स्वर्ग छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। तब स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय पाकर हिरण्यकश्यपु की चौथी पीढ़ी के वंशज चक्रवर्ती असुर सम्राट बलि त्रिलोकों के अधिराज बन गए। फिर क्या हुआ माता? फिर गुरु शुक्राचार्य के सुझाव पर राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिससे देवताओं पर असुरों की श्रेष्ठता अनंत काल के लिए स्थिर हो जाए। अर्थात माता, अच्छाई पर बुराई की प्रभुता सदा के लिए स्थापित करने का प्रयास था ये? हाँ पुत्र, देवताओं की ऐसी दीनहीन अवस्था उनकी माता अदिति से देखी नहीं गई। तब उन्होंने
देवताओं के पुनरुद्धार के लिए प्रभु विष्णु जी की प्रार्थना प्रारंभ की और दीर्घ काल तक उनकी तपस्या का अद्भुत फल उन्हें प्राप्त हुआ। ओम नारायणाय नमः। 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 हरिनारायण कल्याण हो देवी अदिति। प्रभु, इस माँ का हृदय अपने पुत्रों की लाचार अवस्था देखकर अत्यंत व्यथित है। आप ही उनकी सहायता कर सकते हैं प्रभु। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी देवी, परंतु देवताओं को भी सजगता पूर्ण पद के अनुरूप व्यवहार कर अपने पद के योग्य बने रहना होगा, क्योंकि योग्यता खोते ही व्यक्ति के उस पद पर स्थित रहने का अधिकार स्वतः नष्ट हो जाता है। अपने पद के दायित्व भुलाकर देवताओं के भोग विलास में पूर्णतः लिप्त रहने के कारण ही असुरों को अपनी शक्ति में वृद्धि का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि देवताओं के पद का दायित्व मैं स्वयं उन्हें समझाऊंगी। अपना दोष तो उन्हें स्वयं ज्ञात हो गया, जिसका उन्हें पछतावा भी है, परंतु अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाने में उन्हें आपके सहायता की आवश्यकता है प्रभु। आप चिंता ना करें देवी, मैं एक माता की व्यथा समझता हूँ, इसीलिए आपके मातृत्व का आदर करते हुए मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और देवताओं और मनुष्य जाति का उद्धार करूंगा। इसकी इच्छा थी उससे कहीं अधिक प्राप्त हो गया प्रभु। आपको अपने पुत्र के रूप में पाकर ये मां धन्य हो गई। आपकी ये भक्ति, आपकी कृपा पाकर कृतार्थ हुई प्रभु। कल्याण, नन्हा सा रूप कितना मनोहर हुआ होगा ना माता, परंतु उनके इस अवतार को क्या नाम मिला और इसके उपरांत क्या हुआ? पुत्र, स्वयं स्वामी अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा प्रभु विष्णु जी के इस रूप का नामकरण हुआ और जगत में प्रभु विष्णु जी का यह रूप वामन नाम के अवतार से प्रसिद्ध हुआ। माता, हनुमान ये समझ नहीं पा रहा है कि एक नन्हे से बालक के रूप में प्रभु विष्णु जी समस्त देवताओं को पुनः स्वर्ग लौटाने में कैसे सहायक बने। उस पराक्रमी योद्धा चक्रवर्ती असुर सम्राट बलि से युद्ध कैसे किया उन्होंने? यदि व्यक्ति का उद्देश्य शुद्ध एवं धर्मोचित हो तो व्यक्ति के दोष भी उसकी शक्ति बन जाते हैं। इसीलिए किसी की क्षमता का आंकलन कभी भी उसके कद या उसकी शारीरिक बनावट से कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस त्रुटि का भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। और ऐसी ही भूल चक्रवर्ती असुर सम्राट राजा बलि भी कर बैठा। कैसी भूल माता? जब राजा बलि गुरु शुक्राचार्य के निर्देशानुसार उनकी देखरेख में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कर रहे थे और यज्ञ की पूर्ति में ब्राह्मणों को दान देने की एकमात्र अंतिम रीति शेष थी, तब प्रभु विष्णु जी के
वामन अवतार ने यज्ञ वाटिका में प्रवेश किया। अहम् राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम ताम मा देवा व्यदधु पुरुत्रा भूरि स्थानाम भूर्यावेशयम् नती। कौन है जो इतने मधुर और सम्मोहक स्वर में वेदों का पाठ कर रहा है? प्रणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जैसे दिव्य ज्ञान संपन्न अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व के मेरे इस अश्वमेध यज्ञ के आयोजन में पधारने से मैं राजा बलि कृतार्थ हुआ। मुझे विश्वास है आपकी कृपा से मेरा ये यज्ञ अवश्य सफल होगा, परंतु सर्वप्रथम इतना बताने की कृपा अवश्य करें कि आप कौन हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपना परिचय देने की कृपा करें, अपना नाम बताएं विप्रवर। राजन, संसार के समस्त नाम मेरे ही तो है, कौन सा नाम बताऊं आपको? वैसे भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, नाम से नहीं। इतना बताने की कृपा करें ब्राह्मण श्रेष्ठ कि आप आए कहां से हैं, आपका निवास कहां है? बाल ब्रह्मचारी का कोई ठौर कहां, जहां उसके पग थम जाते हैं वही उसका गांव हो जाता है। राजन, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा निवास कहां का है? हाँ, आप यह अवश्य कह सकते हैं कि मैं समस्त ब्रह्मांड का हूं और संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा निवास स्थान है। आपका कथन सर्वथा उचित है ब्राह्मण श्रेष्ठ। हे विप्रवर, अपने यज्ञ को पूर्ण करने हेतु मैं दान कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहा हूं, आप आज्ञा दें मैं आपके लिए क्या प्रस्तुत करूं? राजन, आप क्या दे सकते हैं मुझे? राजन, आप क्या दे सकते हैं मुझे? बहुमूल्य रत्न, मूल्यवान आभूषण, रथ, वस्त्र, खेत, आपके रहने हेतु प्रासाद, संपूर्ण ग्राम, सुंदर सेविकाएं, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए, मैं सहर्ष आपको प्रदान करूंगा। भोग विलास की इन वस्तुओं का मेरे लिए क्या उपयोग राजन? धन, संपत्ति, वाहन इत्यादि संसारिक क्रियाकलाप में लीन मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। मैं ठहरा एक बाल ब्रह्मचारी, आपका विनम्र प्रस्ताव पाकर मैं आपका कृतज्ञ हूँ राजन। परंतु जिनका भी आपने नाम लिया उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे द्वार से आप जैसा बाल ब्रह्मचारी तपस्वी रिक्त हाथ वापस कैसे जा सकता है? ऐसा कैसे संभव है? कुछ तो होगा जिसकी आपको आवश्यकता हो और मैं दान कर सकूं। आपकी जो भी इच्छा होगी मैं सहर्ष प्रदान करूंगा। तो राजन, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे वो सब दान में मांगता हूँ जो मेरे तीन पग में समा जाए। तीन पग में समा जाए। तीन पग में समा जाए।
कहिए, वो मुझे देंगे आप? अभी भी समय है, रुक जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सोचिए राजन, आप तीनों लोकों के सम्राट, महान दैत्य राज बलि, जो संसार में कोई भी वस्तु देने में समर्थ है, उनसे मात्र तीन पग में समाने योग्य वस्तुएं कैसे मांग सकता है? गुरुदेव, आप तो स्वयं जानते हैं, ऋषि मुनियों के कुछ संकल्प होते हैं, वो उन संकल्प से अधिक कुछ नहीं मांगते। आप समझ नहीं रहे हैं राजन, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये कोई अन्य नहीं, श्री हरि विष्णु देव है। श्री हरि विष्णु देव? ये आप क्या कह रहे हैं? यही सत्य है राजन, ये इंद्र एवं अन्य देवताओं के हित साधन के लिए यहां है। यदि आपने इनकी बात मानकर उनकी इच्छा अनुसार दान देने का संकल्प ले लिया तो आप सब कुछ गंवा देंगे। गुरु पे विश्वास करता है उसका कभी अहित नहीं होता। विश्वास कीजिए मुझ पर, मत दीजिए दान। यदि आपकी बात सत्य है तो ये स्वयं दाता हैं, इन्हें कोई क्या दान देगा? सोचिए गुरुदेव, संपूर्ण संसार जिनके समक्ष हाथ फैलाए खड़ा रहता है, वे आज मेरे समक्ष हाथ फैलाए खड़े हैं। स्वयं प्रभु का हाथ नीचे और मेरा हाथ ऊपर। संसार में ऐसा सौभाग्य तो कदाचित ही किसी को प्राप्त हुआ होगा। यह आपका सौभाग्य नहीं दैत्यराज, दुर्भाग्य होगा। नहीं गुरुदेव, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में यह लिखा जाएगा कि एक दैत्यराज ऐसा भी था जिसने स्वयं प्रभु को दान दिया। और फिर दान देने का सुख उपभोग करने के सुख से सहस्त्र गुना अधिक होता है गुरुदेव, और पुण्यदायी भी। इस विलंब के लिए क्षमा करें विप्रवर, मैं दान देने का संकल्प लेने के लिए प्रस्तुत हूं। आप पुनः सोच लीजिए, क्या आप उतना ही चाहते हैं जो आपके तीन पग में समा जाए?
इस संसार में मात्र तीन पग धरती मनुष्य की अपनी होती है। उससे अधिक की इच्छा करने वाले मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होते। राजन, मुझे मात्र उतना ही चाहिए जितना मेरे तीन पग में समा जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये विष्णु देव देवताओं के हितैषी हैं, तो मैं असुर गुरु शुक्राचार्य असुरों का हितैषी हूं। असुरों के हित साधन के लिए मुझे कुछ भी करके ये दान रोकना होगा। देव प्रतिष्ठा असुर हरे, तब हरि वामन रूप धरे। जो समेति ना पग माए, दान बलि वो कर पाए। दैत्य गुरु पहचान करे, विष्णु वामन रूप धरे। रोके है तू शुक्रा चली, दृढ़ संकल्पा किंतु बली। ईश्वर किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, आवश्यकता है पहचानने की।